हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईएनडी हिंदी टेक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बात करने वाले हैं पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड मनी के लेकर। जी हां दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक में ऐड मनी बंद हो चुका है। पेटीएम ने अपने सिस्टम से ये ऐड मनी हटा दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर और डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। यहाँ पर सबसे नीचे जो बैंक आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड मनी का ये ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों, इसमें ऐड मनी पर क्लिक करते ही हम पेटीएम पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में मनी को जो है ऐड कर सकते थे, एक डेबिट कार्ड के माध्यम से या फिर कोई अदर माध्यम से आसानी से ऐड कर सकते थे। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड मनी पे क्लिक करते हैं और आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐड मनी की सिस्टम हटा दिया गया है, पूरी तरह ये ऐड मनी का सिस्टम हटा दिया गया है। आप डेबिट कार्ड वगैरह से ऐड मनी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज एनी अदर बैंक्स ऐप या वेबसाइट टू ट्रांसफर मनी। ओके, तो यहाँ पर ऐड मनी का सिस्टम हटा दिया गया है। आप नीचे में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड मनी यूजिंग यूपीआई, आप यूपीआई के माध्यम से ऐड मनी कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड मनी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड मनी की सुविधा हट चुकी है। तो पेटीएम ने अपना सिस्टम से ऐड मनी हटा दिया गया है। ये कन्फर्म नहीं हो पाया है कि ये सिस्टम पर फिर से वापस से आएगी या नहीं, ये क्या ये फैसिलिटी लोगों तक दिया जाएगा ऐड मनी का या फिर नहीं दिया जाएगा। फिलहाल जो है ये ऐड मनी बंद कर दिया है पेटीएम ने। अब दोस्तों वहीं बात करते हैं यूपीआई के लेकर। तो बहुत से ऐसे लोगों का कॉमेंट आ चुका था हमें और यहाँ पर बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि यूपीआई जो भी है बंद हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि यूपीआई बंद नहीं हुआ है। मैं आपको यूपीआई अभी करके बताता हूँ। यहाँ पर मनी ट्रांसफर पे हम चलते हैं और नीचे में यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट शो हो रहा है। तो जस्ट हम इस बैंक अकाउंट पर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डाल के हमें सबमिट करना है। तो चलिए हमने ₹1 डाला और यहाँ पर प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें यहाँ पर यूपीआई पिन डालना होगा। तो चलिए हम यूपीआई पिन डाल देते हैं। दोस्तों यूपीआई पिन डालने के बाद हम ओके करते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, यानी कि पूरी तरह यूपीआई जो है काम कर रही है, ये बंद नहीं हुई है। सस्पिशन आप सभी का दूर हो चुका होगा यूपीआई के लेकर। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि हम ऐड मनी अभी किस प्रकार से कर सकते हैं या फिर अपने पेटीएम अकाउंट पर पैसा को ऐड किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों का मन में ये डाउट आता होगा कि क्या हम अभी पेटीएम पेमेंट बैंक में मनी को ऐड नहीं कर सकते हैं क्या, या फिर उससे निकासी नहीं कर सकते हैं। तो मैं दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि यूपीआई के माध्यम से आप पेटीएम पेमेंट बैंक से कहीं भी पैसा भेज सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या आप ऐड मनी कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए मैं आप लोगों का वो भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तेज ऐप पर चलता हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यूपीआई करके पेटीएम पेमेंट बैंक में। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मेरा पेटीएम का ये अकाउंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अकाउंट नंबर पेटीएम पेमेंट बैंक का ऊपर में लिखा हुआ शो हो रहा है। तो हमने ₹1 जस्ट कुछ देर पहले मैंने सेंड करके देखा था। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे अकाउंट में ₹1 जो मैंने भेजा था वो क्रेडिट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जस्ट ₹1 हमने यहाँ पर भेजा था पेटीएम पेमेंट बैंक में, तो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। तो फिर से हम चलते हैं स्टार्ट पेमेंट पर और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पर जो शो हो रहा है मेरा ये है। तो ₹1 हम फिर से सेंड करते हैं यहाँ पर। तो सेंड करते हैं ₹1 और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं, चलिए हाई लिख देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक से हम ये पेमेंट कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पर यूपीआई पिन देना है। तो चलिए हम यूपीआई पिन देते हैं। यूपीआई पिन देने के बाद हम ओके करेंगे और ओके करने के बाद मेरा पेमेंट जो है प्रोसेसिंग में है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेटीएम पेमेंट बैंक में ये जो है भेजा जा चुका है ₹1 आसानी से। तो यहाँ पर आप यूपीआई के माध्यम से या फिर NEFT IMPS के माध्यम से आप पेटीएम पेमेंट बैंक में पैसा भेज सकते हैं और साथ ही साथ यूपीआई के माध्यम से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक से पैसा को अदर बैंक अकाउंट में, लेकिन आप उसमें ऐड मनी डेबिट कार्ड वगैरह से नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। और इससे जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे हिचक आप कमेंट करें।